हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजीत सिंह सिकरवार। यू आर वेलकम इन टू द क्लास ऑफ आई सी इंजन। इट इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ आई सी इंजन एंड द सब्जेक्ट कोड इज़ ME501। ओके, सो इससे प्रीवियस लेक्चर जो मेरा फोर्थ लेक्चर का पार्ट टू था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक्स बताए और इंजन का को क्लासीफाई किया कि इंजन किस किस तरीके के होते हैं। सो उसमें आपने क्लासिफिकेशन देखा कि हमने लोड के अकॉर्डिंग देखा है ना, नंबर ऑफ वर्किंग साइकिल्स देखा, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स देखे, ठीक है, और हमारा अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम देखा कि वाटर कूल्ड इंजन है हमारा या एयर कूल्ड इंजन है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। सो अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो नेक्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और टू स्ट्रोक डीजल इंजन के रिगार्डिंग बात करेंगे और इसको समझेंगे कि ये दोनों इंजन्स किस तरह से वर्क करते हैं। इनके कुछ पार्ट्स भी देखेंगे हम एक्चुअली, और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं इन इंजन्स में, किस वजह से मार्केट से अभी हट गया टू स्ट्रोक इंजन। जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि 1971 में हमारे जापान ने ये इंजन बिल्कुल बैंड कर दिया था, उन्होंने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी बहुत कम थी। इसमें से 11% हम इफ़िशियंट बना पाए थे इस इंजन को। तो फिर जापान ने इस पर वर्क करना ही छोड़ दिया और बहुत सारे पॉल्यूशंस हो रहे थे, तो इस वजह से ये अभी हर जगह बंद हो गया। इंडिया में तो अभी तक चला, कुछ टाइम पहले ही बंद हुआ है, ठीक है। तो जैसे MX 100 हमारी बाइक आती थी, उसमें लास्ट में यूज़ हुआ था, जैसे RX 100 आपने नाम सुना होगा, SD सुना होगा नाम। सो इन बाइक्स में हम टू स्ट्रोक इंजन यूज़ करते थे। जैसे राजदूत है, हमारी राजदूत बाइक थी, वो उसमें टू स्ट्रोक इंजन यूज़ किया था। मोपेड्स थी, हीरो पुक बाइक थी हमारी, इन सब में टू स्ट्रोक इंजन यूज़ होते थे। सो प्रॉब्लम्स क्या थी ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से कुछ डिस्कस किया था कि भाई पेट्रोल और डीजल में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है। सो इसी का थोड़ा सा मैं और कुछ पार्ट बताता हूँ। आप लोगों ने देखा है कि जो मैंने एक बार बताया था एक लेक्चर में, इस लेक्चर सीरीज में एक बार एक लेक्चर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व, जब मैं पार्ट्स को बता रहा तब मैंने बताया था कि पेट्रोल इंजन का जो एग्जॉस्ट वॉल्व है वो क्या है हमारा, छोटा रहता है और इनलेट वॉल्व बड़ा रहता है, और डीजल इंजन में ये दोनों वॉल्व सेम साइज के रहते हैं। सो पूरे इंजन के अंदर सारे इंजन की जो जितने भी पार्ट्स लगे हुए उनमें सबसे ज़्यादा जो हीटेड कंपोनेंट है वो क्या है बेटा हमारा, एग्जॉस्ट वॉल्व। सबसे ज़्यादा गर्म हमारा क्या रहेगा, एग्जॉस्ट वॉल्व सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा क्योंकि वहाँ से चार्ज निकल रहा है ना, चैम्बर से भी ज़्यादा चार्ज निकल रहा है वहाँ पे। तो क्या होगा, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका है बेटा, इसका, एग्जॉस्ट वॉल्व का। सो पेट्रोल इंजन हमारी प्री डिफाइंड और होमोजीनियस चार्ज आता है उसके अंदर, मतलब एयर और पेट्रोल का मिक्सचर पहले से ही हमारा मिक्स होके हमारे कार्बोरेटर से इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक में एंटर करता है। सो इस टाइम पर ही जो हमारा चार्ज इंटेक कर रहा है, और इस चार्ज को अगर कहीं से भी टेम्परेचर मिल जाएगा, सो क्या होगा बेटा, ये चार्ज पहले से ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। तो हम लोग नहीं चाहते कि चार्ज हमारा ऑटो इग्नाइट हो, कंबसन चैम्बर में एंटर करे और हम जब कंप्रेशन स्ट्रोक में हो और ये चार्ज हमारा ऑटो इग्नाइट हो जाए। सो हमने सरफेस एरिया जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसका जो सरफेस एरिया है उसको कम कर दिया है, ठीक है, जिससे हमारा चार्ज उसके कॉन्टेक्ट में ना आए। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो हमारी फ्लेम है, फ्लेम को प्रोपोगेट करते हैं स्पार्क प्लग से, हमारा स्पार्क जाता है चार्ज में, देन हमारा लेयर बाय लेयर बर्निंग होती है। सो हमने स्पार्क प्लग को भी बेटा कहाँ रखा है, स्पार्क प्लग को भी कहाँ रखते हैं हमें, इट इज ऑलवेज नियरर टू एग्जॉस्ट वॉल्व, याद रखना है आपको। स्पार्क प्लग को हम एग्जॉस्ट वॉल्व के नियर रखते हैं और फ्लेम को जो प्रोपोगेशन है, फ्लेम का प्रोपोगेशन है वो एग्जॉस्ट वॉल्व की साइड से और हमारे जो डाउनवर्ड पिस्टन की तरफ, इनलेट वॉल्व की तरफ हमारा क्या होता है, फ्लेम का प्रोपोगेशन होता है। कभी भी हम चार्ज को इंटेक वॉल्व के जो हमारा स्पार्क प्लग है इसको इंटेक वॉल्व के नियर बाई नहीं लगाएंगे, अगर नियर लगा दिया तो हमारा जब चार्ज इंटेक होगा तो हो सकता है कि हमारा जो चार्ज है जो हमारी फ्लेम का जो प्रोपोगेशन है या जो उसकी टिप है वो ओवर हीट हो जाए और देन हमारा चार्ज को कहीं से टेम्परेचर मिल जाए। तो हम इंजन में चाहते हैं कि ज़्यादा हीट डेवलप ना हो, पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, ये पेट्रोल इंजन में हम क्या चाहते हैं कि हमारे चार्ज को, क्योंकि चार्ज पेट्रोल और एयर दोनों मिक्स होके आ चुके हैं हमारे पास और ये इन दोनों को जो टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस कहीं से भी मिल जाए तो साइकिल हमारी क्या हो सकती है, पहले ही स्टार्ट हो सकती है, कंप्रेशन स्ट्रोक में ही स्टार्ट हो सकती है।
सो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि अगर मैं कूलेंट का फ्लो और या जो अगर वाटर है, अगर कूलेंट की जगह अगर मैं वाटर फ्लो कर रहा हूं, वाटर कूल्ड इंजन है अगर उसमें, सो अगर हम फ्लो रेट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटे? फ्लो रेट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? इंजन को कूल डाउन करना है ना, तो कूल डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? कूलेंट को ज़्यादा घुमाना, रोटेट करना पड़ेगा इंजन के अंदर, है ना। सो अगर ये कूलेंट की फ्लो रेट बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा, हमारी इंजन से हीट एनर्जी ज़्यादा बाहर निकलेगी। सो इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। इज इट ओके? सो हमारे पेट्रोल इंजन में हमारा जो मेन मोटिव है वो यही वो मोटिव है कि हमें उसकी एफिशिएंसी क्या करनी है, उसकी जो हीट है उसको क्या करना है, ज़्यादा बाहर निकालना है। हमारे चार्ज को कहीं से भी हीट ना मिल जाए, अगर हीट मिल गई तो बेटा क्या होगा, चार्ज ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। सो ये कारण है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो एग्जॉस्ट वॉल्व है उसका जो सरफेस एरिया है, बेस सरफेस एरिया है, उसको हम क्या करते हैं, कम रखते हैं इन कंपेयर ऑफ एग्जॉस्ट वॉल्व, वो इनलेट इनलेट वॉल्व, सॉरी इनलेट वॉल्व। सो अभी जैसे कि मैंने बात की, जो डीजल में दोनों के वॉल्व बराबर होते हैं, तो हम लोगों का जो मेन मोटिव वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज अंदर इंटेक करें, है ना। और हम चाहते हैं कि जो एग्जॉस्ट चार्ज है हमारा, एग्जॉस्ट होने वाला चार्ज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस करके हमें, आज फिर आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। सो द ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक इज दैट दिस इज द प्री रिक्विजिट बेसिक्स ऑफ आईसी इंजन। सो इसमें हम जो ऑब्जेक्टिव है, मैं आप लोगों को टू स्ट्रोक इंजन और उसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। सो आप लोग जानेंगे कि हमारा टू स्ट्रोक और इंजन में पेट्रोल डीजल इंजन किस तरह से वर्क करते हैं। सो ये देखिए आप लोग, दिस इज द टू स्ट्रोक इंजन। सो द फ्यूल इज कंप्रेस्ड एंड इग्नाइटेड, है ना। सो अभी आप देखिए इसमें जो इंजन में इस जगह पे ये हमारा क्या है बेटा, चार्ज है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर है ये, ठीक है बेटे। सो ये आप लोगों का दिख रहा है बेटा पिस्टन के जस्ट नीचे, इट इज बिलो द पिस्टन, और क्रैंक केसिंग दिख रही है आपको, ये क्रैंक केसिंग है। यहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ क्रैंक केस क्या होती है, जहाँ पर क्रेम को हम क्रैंक को माउंट करते हैं, यहाँ से पावर आउटपुट निकलता है, वो क्रैंक केसिंग होती है, उसका केस बोलते हैं। सो फर्स्ट वन इज फ्यूल इज कंप्रेस्ड एंड इग्नाइटेड, जो ऊपर टॉप सबसे टॉप में दिख रहा है, दोनों में हमारे स्पार्क प्लग लगे होते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में आप लोगों से डिस्कस किया है कि जो वन साइकिल है वो कंप्लीट होगी टू स्ट्रोक्स में, मीन्स द रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इज 360 डिग्री। सो यू सी हियर, फ्यूल मिक्सचर इज ड्रॉन इन टू द क्रैंक केस। सो सबसे पहले हम सक्शन स्ट्रोक की बात करते हैं। सक्शन कब होगा, जब पिस्टन हमारा बेटा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के लिए रोटेट कर मूव करेगा, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर ये मूव अप डायरेक्शन के लिए करे तो क्या होगा बेटे, ये जो पिस्टन रिंग्स लगी हैं, ये जो पिस्टन है हमारा सक्शन करेगा, मतलब जो हमारा प्रेशर होगा इनसाइड द क्रैंक केसिंग इन दिस प्लेस, इट इज लेसर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो उस टाइम पे यहाँ से क्या होगा, हमारा चार्ज इंटेक हो जाएगा फ्रॉम दी कार्बोरेटर। सो कार्बोरेटर क्या करता है हमारा, मैंने बता दिया है आप लोगों को, एयर और पेट्रोल को मिक्स करता है, पहले से ही होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। इट इज़ अ रेशियो 15:1, 15 इज द एयर एंड 1 इज द फ्यूल। सो यहाँ से चार्ज हमारा इंटेक करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो फ्यूल मिक्सचर इज ड्रॉन इन टू द क्रैंक केसिंग, यहाँ क्रैंक केस में आ गया, ओके। अब ये वाल्व हम ओपन करते हैं यहाँ से, उस टाइम पे क्या हो, चार्ज इंटेक कर जाए, कहाँ जाए, क्रैंक केसिंग में। पिस्टन की मूवमेंट किधर है, किस डायरेक्शन में बैठे, टॉप डायरेक्शन में, अपर के लिए जा रहा है ये। सो ये कौन सा स्ट्रोक था बेटा यहाँ पे, सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। देन बेटा अगेन क्या हुआ हमारा, इससे पहले जो हमारा चार्ज आया था वो क्या हुआ होगा बेटा, कंप्रेस हुआ होगा, और वो कंप्रेस हो गया, ठीक है। सो हमारा कौन सा स्ट्रोक बेटा, सक्शन यहां से हो रहा है और चार्ज हमारा क्या हो रहा है, ऊपर को कंप्रेस भी हो रहा है। तो सक्शन और कंप्रेशन दोनों स्ट्रोक एक साथ में होते हैं, मतलब वो किस स्ट्रोक में होते हैं, अप स्ट्रोक में, सक्शन एंड कंप्रेशन, ठीक है। सो इसमें देखिए आप लोगों, ये हमारी ट्रांसफर पोर्ट है, एक टू स्ट्रोक इंजन में क्या है बेटा, ये ट्रांसफर पोर्ट, इज इट ओके। अब बताऊंगा क्या यूज है इसका,
फ्यूल इज कंप्रेस्ड एंड इग्नाइटेड, ये देख लीजिए हमारा कंप्रेस हो गया, मतलब कंप्रेशन और सक्शन, सक्शन किधर हुआ क्रैंक केसिंग में एंड कंप्रेस हुआ टॉप केसिंग में, ये दोनों प्रोसेस हुई। ऊपर से हमने स्पार्क प्लग से क्या कर दिया, स्पार्क मार दिया। तो ये पिस्टन किधर मूवमेंट करेगा बेटा, डाउनवर्ड। सो अभी कौन सा स्ट्रोक हो रहा है बेटा, यहाँ पे कौन सा स्ट्रोक हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे कौन सी सब क्या हो रहा है, पावर स्ट्रोक। जिस स्ट्रोक का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिस स्ट्रोक का हम हमेशा वेट करते हैं, सो वो कौन सा स्ट्रोक है बेटा, हमारा पावर स्ट्रोक। सो यहाँ पावर मिलेगी हमें, ठीक है। सो ये पिस्टन, ये जो क्रैंक की पोजिशन है, ये इस तरह से इधर से इस साइड में आ जाएगी, ठीक है। देन क्या होगा, ये पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा, पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, ये अनकवर्ड किसको करेगा, किसको अनकवर करेगा बेटे, देखिए सबसे पहले किसको अनकवर किया, ये एग्जॉस्ट जो ब्लैक ब्लैक बॉल्स दिख रही हैं आप लोगों को, ये किधर किधर निकल गई बेटा, आउटसाइड में एग्जॉस्ट में, मतलब हमारे साइलेंसर में, ठीक है। सो जब ये चार्ज डाउन, जब पिस्टन हमारा डाउनवर्ड जाएगा बेटा, डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इन चार्ज के लिए स्पेस कम बनेगा, और ये चार्ज अगर डाउनवर्ड जाएगा पिस्टन, तो बेटा चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस लाइन में आ जाएगा, दिस इज द ट्रांसफर पोर्ट। ये हमारी फोर स्ट्रोक में नहीं होती ट्रांसफर पोर्ट, है ना, हमारे फोर स्ट्रोक इंजन में वॉल्व होते हैं और टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स मतलब पाइपलाइंस होती हैं, जो कि जिन्हें हम विच इज कवर्ड और अनकवर्ड बाय द हेल्प ऑफ पिस्टन, ठीक। सो ये चार्ज देखिए, ये पिस्टन डाउनवर्ड गया, तो यहाँ पे जो चार्ज था नीचे क्रैंक केसिंग में, ये कहाँ फेल हो गया बेटा, इस ट्रांसफर पोर्ट में। और पिस्टन का जो डिफ्लेक्टर है ऊपर, ये जो पिस्टन का शेप देख रहे हैं डिफ्लेक्टर टाइप, इसके थ्रू कहाँ पहुंच गया बेटा, ये कम्बशन चैम्बर में, मीन सिलेंडर के अंदर। और ऊपर से हमारा सिलेंडर पूरा बंद है, ऊपर कोई चार कहीं से भी हमारा कोई भी एग्जॉस्ट और इनटेक कभी नहीं हो सकता यहाँ से। सो इस डिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन से ये क्या हुआ, सबसे पहले चार्ज ऊपर जाएगा और इस डिफ्लेक्टर से क्या हुआ, चार्ज हमारा बाहर निकल जाएगा, इज इट ओके। सो इन दोनों प्रोसेसर से क्या होगा, हमारा एक से चार्ज अंदर आया, एक से हमारा चार्ज बाहर निकल गया। सो इस प्रोसेस को, चार्ज को इनटेक कराना, फ्रेश चार्ज को कंबसन चैम्बर में इनटेक कराना, और उसके थ्रू हमारा बर्न चार्ज है उसे बाहर निकालना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग प्रोसेस, इट इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज इनटेक पोर्ट इज कवर्ड एंड वॉल वॉल फोर्स क्लोज, ठीक है। सो ये यहाँ से चार्ज हमारा क्या हुआ, अंदर चला गया, इज इट ओके। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सो फर्स्ट स्ट्रोक आपको याद रखना है, जब पिस्टन अप स्ट्रोक में होगा तब बेटा क्या होगा, हमारा सक्शन होगा, एंड देन क्या होगा, हमारा कंप्रेशन होगा, इज इट ओके। एंड जो डाउन स्ट्रोक होगा उसमें क्या होगा, हमारा बेटा पावर स्ट्रोक मिलेगा हमें, एंड देन नेक्स्ट स्ट्रोक क्या मिलेगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सबसे पहले क्या अनकवर करेगा, देखो पिस्टन मैंने बताया बेटा, एग्जॉस्ट पोर्ट को अनकवर करेगा, तो एग्जॉस्ट होगा, फिर हमारी स्कैवेंजिंग प्रोसेस होगी, इज इट क्लियर। तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस हमारा कभी भी फोर स्ट्रोक इंजन में नहीं होता है, ठीक है। और जो चार्ज हमारा इंटेक करता है, फ्रेश चार्ज जो इंटेक करेगा फोर स्ट्रोक इंजन में, वो पिस्टन के टॉप में करेगा, वो क्रैंक केसिंग में नहीं जाएगा, इज इट ओके। अब हम बात करते हैं इस साइकिल में बेटा क्या हो रहा है, हमारा टू स्ट्रोक्स में ही, मीन्स द रिवॉल्यूशन, जो क्रैंक शाफ्ट का रिवॉल्यूशन वन रिवॉल्यूशन है, उसमें ही हमें क्या मिल रहा है बेटा, क्या मिल रहा है बेटे हमें, पावर स्ट्रोक, है ना, पावर स्ट्रोक। एक स्ट्रोक में हमें इसको सिंगल टाइम हम फ्यूल दे रहे हैं और इंजन हमें पावर आउटपुट दे रहे हैं। सो इस इंजन में टाइम बहुत कम है, ठीक है, पावर आउटपुट ज़्यादा है, तो इंजन ओवर हीट होता है। इसमें प्रॉब्लम थी कि ये इंजन ओवर हीट होगा, क्योंकि इसको कूल होने के लिए टाइम बहुत कम है, क्योंकि बार बार फ्यूल दे रहे हैं, हर स्ट्रोक में फ्यूल मिल रहा है, हर स्ट्रोक में इसमें हमारी कंबशन प्रोसेस हो रही है। सो इस कारण से इस इंजन को कूल डाउन करने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, टू स्ट्रोक ऑयल डालते हैं, जिसको टू टू टी ऑयल बोलते हैं। आप पेट्रोल पंप पे जाते थे पहले, आप लोग अगर देखेंगे तो पहले पेट्रोल पे जाते थे तो हम क्या बोलते थे कि 50 की पेट्रोल डाल दो, तो उसमें 5 रुपये का तो ऑयल डाल देता था वो, और 45 रुपीज़ का हमारा ये पेट्रोल। सो जो टू टी ऑयल था वो किसके अंदर मिक्स हो गया बेटा, ऑयल किस में मिक्स हो गया हमारा, पेट्रोल के अंदर। सो ये जो हमने टू टी ऑयल का यूज़ किया है, ये क्या करता था, हमारा जो इंजन के अंदर ओवर हीटिंग है उसको कूल डाउन करना है, दूसरी बात, और क्या करेगा, इंजन का जो फ्रिक्शन हो रहा है, मोर फ्रिक्शन होगा, क्योंकि मोर हीट है तो मोर फ्रिक्शन होगा,
सो और कम्बस्टिबल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, उस फ्रिक्शन को मतलब हमारे पिस्टन के अंदर क्या रखेगा, ये लुब्रिकेशन का वर्क करेगा ये टूटी ऑयल, ठीक है। सो इंजन ओवर हीट ना हो इसको कम करने के लिए हमने क्या किया, टू स्ट्रोक ऑयल निकाला जो कि इजीली हम बनाते थे, जो कि बर्न हो जाए, बिल्कुल भी उसके कंटेंट ना रहे और वो बर्न होके पूरा हमारे इंजन से बाहर निकल जाए। सो दिस इज द ये मेन वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। सो आप लोगों को समझ में आ गया, वन साइकिल में कंप्लीट होना है, टू टी ऑयल यूज़ करना है इसमें, ठीक है। क्रेंक शाफ्ट का रोटेशन 360 डिग्री है इसमें, स्कैवेंजिंग प्रोसेस होती है, जो चार्ज आएगा वो हमारा किस में जाएगा, क्रेंक केसिंग में जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा पिस्टन है ये देख लीजिए, इसका जो टॉप पार्ट है वो कैसा है, डिफ्लेक्ट है, ऊपर से राउंड दिख रहा है आपको, है ना, ये राउंडेड टाइप ये पिस्टन है। ये पिस्टन रिंग्स लगाने की स्पेस है, यहाँ पर गजन पिन बोलते हैं और पिस्टन पिन लगाते हैं, गजन पिन। ये कैविटी दे दी है क्योंकि पिस्टन को लाइटर वेट बनाना है तो हमने कैविटी दे दी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था ये पिस्टन। नेक्स्ट, सो मैं ये वर्किंग बता चुका, जो दोनों के लिए है सेम है, और इसमें वॉल्व डिज़ाइन बहुत सिंपल है, मतलब हमने पोर्ट्स लगाई हैं SI और CI इंजन के लिए, और इसमें पावर वेट के अकॉर्डिंग पावर वेट टू पावर रेशियो ज़्यादा रहता है इसका, पावर टू वेट रेशियो, ठीक है। सो हमें पावर आउटपुट ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट, कंप्रेशन स्ट्रोक ये मैं बता चुका है ना, एक्सपेंशन स्ट्रोक भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ मैं। दिस इज द कट सेक्शन ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। सो इसमें देखिए साइड में आपको एक फ्लाई व्हील दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। सो ये एक्चुअली आगे देखिए हेड कैसा है इसका, हेड में केवल स्पार्क प्लग लगा है, ये पार्ट अलग है, ब्लैक पार्ट अलग है। तो ब्लैक पार्ट तो हमारा ब्लैक क्यों बनाया है इसको बेटे, किसी किसी में ये हमारा इसका जो दिख रहा है आपको पर्टिकुलर एलॉय का, ठीक है, सो कास्ट एलॉय बोलते हैं इसको। सो ये पर्टिकुलर ब्लैक पार्ट है, ये हमारा सिलेंडर है, ये इसका हेड है ऊपर। तो देखिए हेड में भी क्या है, जो कूलिंग फिन्स है वो कैसी बनी है, स्ट्रेट बनी है, इसमें कैसी बनी है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल बनी है, ठीक है। सो ये पैरेलल है हमारे पिस्टन के, पैरेलल है। सो यहाँ से जो इंजन है, अब ये इंजन हमारे डिग्गी में पीछे और सीट के नीचे रहता था, तो इसको कूलिंग की प्रॉब्लम थी, तो इसको कूल डाउन करने के लिए बाइक में तो हमने बेटा आगे लगा दिया, स्कूटर में क्या पीछे रहेगा टायर में, और इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी किससे है, टायर से, ठीक है। सो टायर में डायरेक्ट जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है वो डायरेक्ट टायर से अटैच है, और इसके बीच में हमारा गियर बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, साइड से। ये देखिए ये गियर चेंज करने के लिए गियर नॉब लगी हुई, यहाँ से एक वायर जाता था वो जो हमारे हैंडल पर रहता था, जिससे हम स्कूटर के हैंडल को अप एंड डाउन कर सकते थे, जो हम हैंडल बार है उसको अप डाउन कर सकते थे लेफ्ट साइड वाले को, ठीक है। देन आप देखते हैं ये जो फ्लाई व्हील देख रहे हैं, ये एक फैन की तरह बना हुआ है, ठीक है। सो क्या होगा बेटा, यहाँ से ये क्या करता था, ये केसिंग देखिए, अब केसिंग कैसी बनी है, ये भी हमारी कैसी बनी है, सर्कुलर केसिंग बनी हुई है ना। सो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये जब रोटेट करेगा हमारा पार्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एयर किधर जाएगी बेटा, इस कूलिंग फिन्स में, और हमें इस इंजन को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी, ठीक है। मैंने बताया ना बाइक में तो हमारी कूलिंग फिन्स आगे लगी रहती है, तो बेटा आगे से एयर आ रही है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हमारी इन कूलिंग फिन्स से, बट स्कूटर में इंजन पीछे लगा रहता है, तो स्कूटर में उसको ठंडा करने के लिए हमने लगा दिया इसमें ये इम्पेलर लगा दिया, इम्पेलर से एयर किधर जा रही है बेटा, डायरेक्ट इसमें कूलिंग फिन्स में आ रही है, जिससे हमारा इंजन ठंडा होता है। इज इट क्लियर, इतना समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट, सो इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमारा पर्टिकुलर यहाँ कार्बोरेटर रहता है हमारा, ठीक है। इस कंपोनेंट को खोल देंगे तो यहाँ पे फ्यूल, यहाँ से एयर इंटेक होती है, साइड से हमारी एक और लाइन होती है जिसके थ्रू हम पेट्रोल को इंटेक कराते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस इंजन, ये हमारा बहुत सिंपल डिज़ाइन है, इसमें वॉल्व्स नहीं होते हमारे, और मैंने देखा इसके हेड में कोई मैकेनिज्म नहीं है, केवल जो हमारा पिस्टन है उसके थ्रू ही हमारा इंटेक और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों ओपन और क्लोज होते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा पावर डबल प्रोड्यूस करेगा इन कंपेयर ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन। सो आप लोग रेड लाइट पे अगर खड़े होंगे तो टू स्ट्रोक इंजन है किसी के पास, आपके पास फोर स्ट्रोक इंजन है, सो 100 CC की बाइक और 150 CC की बाइक सबसे, तो पहले हमारा टू स्ट्रोक इंजन आगे निकल जाएगा, पहले हमारा टू स्ट्रोक इंजन ही आगे निकलना है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा फ्यूल है और
पावर टू वेट रेशियो भी अच्छा है उसका, देन क्या करेगा उसे, वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम फोर जो क्रैंकशाफ्ट का रिवॉल्यूशन वो कितना हो रहा है बेटा, 720 डिग्री, यहाँ कितना है अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक, वन पावर स्ट्रोक, इज इट क्लियर? सो हमारा जो इंजन है ये डबल पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है? दीज आर द डिसएडवांटेजेस, ये हमारा इंजन नहीं चल पाया, मैंने बताया था क्यों। सो इसमें एक तो प्रॉब्लम हमें ये आई कि इसमें हमें लुब्रिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है? सो इसमें क्या वियरिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, इंजन बोर जल्दी होते थे ये, बोर मतलब पिस्टन और सिलेंडर दोनों ही जल्दी से वियर आउट हो जाते थे, क्योंकि ओवर हीटिंग की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा था, फ्रिक्शन की वजह से ये खराब होता था। सो इसमें अगर हम लुब्रिकेशन सिस्टम पर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए तो इस वजह से ये इंजन ऑब्सोलेट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टू स्ट्रोक ऑयल था वो बहुत एक्सपेंसिव था, तो जो 4 आउंस हमें लिखा हुआ है पर गैलन ऑफ गैस इसको उसमें डालना पड़ता था टू स्ट्रोक इंजन में, ठीक है? सो इफ यू वुड बर्न अबाउट ए गैलन ऑफ ऑयल एवरी 1000 माइल्स इफ यू यूज ए टू स्ट्रोक इंजन इन ए कार, टू स्ट्रोक इंजन्स डू नॉट यूज फ्यूल इफिशियंटली, ये फ्यूल को इफिशियंटली बर्न नहीं कर पाते थे क्योंकि साइकिल बहुत जल्दी थी, और तो इसमें बहुत ज़्यादा हम फ्यूल को बाहर निकालते थे, बहुत जल्दी फ्यूल चाहिए था हर साइकिल में इसको, तो इसकी इफिशियंसी मैंने आप लोगों से डिस्कस की कि इंजन की इफिशियंसी 11% थी। और दूसरा फंडा एक और, इसको जो स्कूटर थे उनको हमें बेंड करना पड़ता था साइड में, बेंड करके हमारा जो पेट्रोल था वो उस कंबसन चैम्बर में पेट्रोल जाता था जिससे इंजन हमारा स्टार्ट होता था, तो इस वजह से हमारा हमने इसको मार्केट से ऑब्सोलेट करना पड़ा। ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इसके मेन रीजंस यही हैं जो मैंने अभी सामने स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। और नेक्स्ट वन, और एक और बात है कि हाँ, अगर हमारा ऑयल बर्न होगा तो बेटे क्या होगा, ज़्यादा पोल्यूटेंट्स बाहर निकलेंगे, और पोल्यूटेंट्स ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो क्या होगा हमारा बाहर एनवायरनमेंट में बहुत पोल्यूशन होगा और बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता था। तो ये देख लीजिए, ये साइलेंसर है बाइक का, आप नीचे देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल भींगा रहेगा हमेशा, इसका जो साइलेंसर है इस पर हमेशा आपको डर्ट मिलेगी, मतलब ये ऑयल निकल रहा है, हमारा टूटी ऑयल है तो टूटी ऑयल बर्न नहीं होता, ठीक है? सो ये आप देख लीजिए, एक्टिव टूटी के नाम से ये हमारा कैस्ट्रोल का टूटी ऑयल आता था, तो ये बैड साइलेंसर है, ठीक है? सो टूटी जो हमारा इंजन है उसके अंदर अगर हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल, तो वो ऑयल बर्न नहीं होगा तो हमारा धुएं से बाहर निकलेगा और वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा साइलेंसर। नेक्स्ट ये देख लीजिए, यहाँ स्मोक निकल रहा है, ये कम्बशन प्रोसेस से स्मोक, तो ये बहुत क्या है हमारा पॉल्यूटेंट बहुत था ये, है ना? गाड़ी को बहुत तेज चलाएंगे तो पूरी रोड पे धुएं धुआं छा जाता था बहुत। सो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारा टू स्ट्रोक इंजन मार्केट से ऑब्सोलेट हो गया। और टू स्ट्रोक डीजल की बात करें तो उसमें वर्किंग सेम है और हम वहाँ फ्यूल इंजेक्टर यूज़ करेंगे टॉप में, और कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए, ठीक है? फिर हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक? सो दीज आर द रेफरेंसेस। ये हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं इसके, जहाँ से मैंने ये पिक्चर्स ली हैं, और इंजन रिसर्च लेबोरेटरी IIT कानपुर के मैंने कुछ नोट्स लिए हैं इसमें, ठीक है? आज का जो कंक्लूजन था, मैंने आप लोगों को टू स्ट्रोक इंजन के बारे में बताया। अभी टू स्ट्रोक इंजन पे बिल्कुल भी स्टडी नहीं हो रही है, ये इंजन बिल्कुल बंद हो चुका है और इसके रीजन्स आप लोगों ने देख लिए क्यों बंद हो गया। सुबह मैं अभी मैं जो डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, एक और प्रॉब्लम, एक और चीज़ अच्छी थी इसमें टू स्ट्रोक में, कि इसमें हमारा जो चार्ज अब डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। अभी हम जो बोल रहे थे ना कि बेटा कि हमारा जो एग्जॉस्ट वॉल्व है उसका साइज छोटा रखते हैं पेट्रोल इंजन इंजन में, है ना? इसमें ये प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इसमें पोर्ट है, तो पोर्ट में ये प्रॉब्लम आती नहीं है क्योंकि पोर्ट्स हमारी क्या रहेंगी बेटे, उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में फ्यूल नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूल और एयर का मिक्सचर हमारा किस में जाएगा, कंबशन चैम्बर में। कंबसन चैम्बर में जाने के बाद फिर वो रोटेट होकर ट्रांसफर पोर्ट से सिलेंडर के अंदर जाएगा। जो हमारे सिलेंडर का टेम्परेचर है वही सेम हमारा किसका टेम्परेचर रहेगा, उस पोर्ट का टेम्परेचर रहेगा। उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, तो सबसे पहले हेड में जाएगा हमारा चार्ज, क्योंकि पिस्टन जो लगाया है टॉप में वो डिफ्लेक्टर टाइप, तो चार्ज को डिफ्लेक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए।
इज इट क्लियर ना? तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो टू स्ट्रोक इंजन्स थे, इसके बाद हमारा जो फोर स्ट्रोक इंजन है, तो फोर स्ट्रोक इंजन हमारा पहले आया था 1876 में, और 1878 में हमारा क्या आया, डुगैल क्लैर्क ने टू स्ट्रोक इंजन निकाला था। ठीक है, सो अभी जो प्रोसेस है, ठीक है, सो उस प्रोसेस में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि हमारा पेट्रोल का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है कितना है, डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो कितना है, ठीक है, और ये कितने प्रेशर पे बर्न होते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा इसी में आगे, कि मैंने चार्ज को जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है उससे कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ये मैंने बात करी थी आप लोगों से। सो ये बिल्कुल सही बात है कि चार्ज हमारा कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ऑटो इग्निशन नहीं होगा और हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, साइकिल से पहले ही बर्न हो जाएगा। पिस्टन क्या कहेगा उस कंप्रेशन में कि मुझे टॉप वर्ड पोजीशन में जाना है, मतलब टॉप डेड सेंटर की तरफ जाना है, और हमारा चार्ज बर्न हो जाएगा तो वो बोलेगा हमारा कि पिस्टन डाउनवर्ड जाना चाहिए, है ना। तो जो हमारा थ्रस्ट है पिस्टन का वो अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो चार्ज पहले बर्न हो गया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, नॉकिंग हो जाएगी। सो आप लोग याद रखिए कि एवरी डीजल इंजन हैज़ नॉकिंग, बट पेट्रोल मे और मे नॉट बी, है ना। सो ये क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है डीजल इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, बस पेट्रोल इंजन बिल्कुल साइलेंट होगा। कार का आप पेट्रोल इंजन देखिए, आप बगल से खड़े होंगे तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी उसकी, बट डीजल इंजन स्टार्ट होगा तो आपको उसकी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, खटखट 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 कर रहा होगा। क्यों कर रहा है बेटा, क्या कारण है इसका, कोई तो कारण होगा ना। तो मैंने कंप्रेशन रेशियो की आपसे जो कंप्रेशन रेशियो है वो ज़्यादा है डीजल इंजन का, तो बेटा क्या हुआ, हमारे सिलेंडर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो सिलेंडर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो हमारा डीजल है वो क्या करेगा, जो कम्बस्टिबल प्रोडक्ट्स हैं, जो कम्बशन प्रोसेस है, उसमें हाई प्रेशर की वजह से ये जो हमारा एग्जॉस्ट है ये पूरा जो पार्टिकल्स हैं स्ट्राइक करेंगे पिस्टन हेड पर, वो सिलेंडर हेड पर, पिस्टन हेड पर, वॉल्स पर, ठीक है, और ये वॉल्व में स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे क्या होगा बेटा, जैसे हम नॉक करते हैं ना ऐसा नॉकिंग क्या वहां पे नॉकिंग क्रिएट होगी, नॉकिंग वाली नॉइस हमें दिखेगी। ठीक है, सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, और मेरे आगे आने वाले लेक्चर है जिसमें मैं बात करूंगा फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में। सो आप मेरे हर लेक्चर सीरीज को देखते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। सो टुडेज लेक्चर एंड्स हियर।